नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका शिवेंद्र चौहान। आप लोग का स्वागत करता हूँ सेशन के अंदर, जहाँ पर हम लोग द हिंदू की कुछ ऐसी खबरें और एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करेंगे, जिन्हें पढ़कर निश्चित ही आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों को बेटर एज मिलेगी। बट उन सबके पहले आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 9 बजे दोस्तों मेरे द्वारा अन अकेडमी के इस पाथफाइंडर चैनल के ऊपर द हिंदू एनालिसिस का सेशन लिया जाता है। कोशिश किया करो सेशन के अंदर मेरे साथ लाइव जुड़ो। इसके अलावा दोस्तों हम लोग आज इन सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। आज काफी सारे टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है। कुछ टॉपिक यहाँ पर जो मैंने लिखे हुए हैं वो ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो बार बार नहीं पढ़ना, ठीक है। तो हम लोग उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना। सबसे पहले बात करते हैं एडिटोरियल के ऊपर, ठीक है। एडिटोरियल के अंदर एक एडिटोरियल आया है चाइना से रिलेटेड। ये मैं क्यों कवर कर रहा हूँ, ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपके फैक्ट को ठीक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या हुआ है कि रिसेंटली आपने सुनने आपको सुनने को मिला होगा, पिछले हफ्ते पिछले महीने सितंबर एंड के अंदर ये सुनाया जा रहा था कि चाइना के अंदर एक मिलिट्री कूप हो गया। और चाइना के अंदर जब मिलिट्री कूप हुआ तो उसके बाद में कई सारे न्यूज मीडिया चैनल ने भारत के अंदर इस चीज को कवर किया। ऐसे रूमर फैल गए और रूमर फैले तो मीडिया ने बहुत ज्यादा कवर किया, तो कई सारे लोगों को लगने लगा कि यार सच में चाइना के अंदर क्या हो गया होगा, मिलिट्री कूप हो गया होगा। लोगों के बीच में इस चीज के बारे में बातचीत भी हुई। और इसका कारण क्या था, लोगों का कहना यह था कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से जी जिनपिंग के आने के बाद जी जिनपिंग दिखे नहीं है चाइना में, और भारी मात्रा में टैंक वगैरह चाइना के अंदर दिखाई दे रहे, तो होना वहां पर मिलिट्री कूप हो गया होगा। और जब ये चीज कही गई तो कई सारे लोगों के फैक्ट के अंदर गड़बड़ हो गई। क्योंकि क्या होता है, छोटी मोटी रिपोर्ट आती है, लोगों को लगता है कि इससे व्यू ज्यादा आ जाएंगे तो लोग उससे वीडियो बनाने लगते हैं, भले ही वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एट दैट पॉइंट इंपॉर्टेंट हो या ना। ये बिल्कुल भी खबर इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि एक रूमर था, ठीक है। जब तक ये चीज कंफर्म नहीं होती तब तक इसके ऊपर न्यूज लेके आना आई डोंट थिंक इज अ राइट थिंग। तो वो चीज की गई, और जब ये चीज की गई तो रूमर जो है वो काफी ज्यादा फैल गए। अब ऐसी कंडीशन में जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि मिलिट्री कूप हुआ है, तो मिलिट्री कूप अभी तक नहीं हुआ। एक्चुअल में हुआ यह है कि माना जा रहा है कि जी जिनपिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट के अंदर गए थे, समरकांड के अंदर, फॉरेन में है, उसके बाद से चाइना है। चाइना के अंदर क्या चलती है, जीरो कोविड पॉलिसी। और जीरो कोविड पॉलिसी के अंदर कोई भी व्यक्ति जो फॉरेन जा रहा है वो जब देश के अंदर लौटेगा तो 10 दिन तक क्वारंटाइन के अंदर रहेगा, 10 दिन तक अपने घर के अंदर रहेगा। और शायद वही चीज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से आने के बाद जी जिनपिंग ने की। और जब वो चीज की तो लोगों ने क्या कहा, लोगों ने कहा कि अरे यहाँ पर तो क्या हो गया, मिलिट्री कूप हो गया, पर वैसा कोई सिस्टम यहाँ पर है नहीं, ठीक है। इसके अलावा फिर सीएसआर फ्रेमवर्क से रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। GS3 में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये कॉर्पोरेट कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो किस तरीके से काम करती है, उनके क्या फायदे, उनके क्या नुकसान है। ये डायरेक्टली कभी क्वेश्चन में नहीं आएगा, पर ये एक हथियार है आपके पास में जो आप कई सारी जगहों पर यूज कर सकते, ठीक है। जैसे एजुकेशन को इम्प्रूव करना है तो क्या बोलोगे, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाओ, जिसके अंदर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फोकस करो एजुकेशन की तरफ। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हेल्थ सेक्टर की तरफ फोकस करो। एनवायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी वे फॉरवर्ड के अंदर आप ये डाल सकते हो। इवन क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं उसके अंदर भी आप CSR को डाल सकते हो। जितने भी सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सबके अंदर आप इसको एग्जाम्पल के रूप में डाल सकते हो। पर ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या, नाम खुद बता रहा है, थोड़ा सा तोड़ो चीजों को। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कॉर्पोरेट की सोसाइटी के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी कॉर्पोरेट काम कर रही है, मतलब कोई भी कंपनी होती है, तो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, ये सेक्शन वगैरह याद नहीं रखना, कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के तहत सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए या कहूं सोशल वर्क के लिए एक बड़ा अमाउंट अलग से कॉर्पोरेट सेक्टर को निकालना पड़ता है, जिस अमाउंट को वो लोग प्रयोग करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। या तो वो एनजीओ को दे देते हैं वो, या वो एजुकेशन के अंदर खुद निवेश करते हैं, या वो हेल्थ सेक्टर को डेवलप करने के लिए, या फिर वो एनवायरमेंट के लिए। 2014-15 के अंदर यही CSR लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का था। अभी ये देखने को मिल रहा है कि 24,000 करोड़ तक का CSR जो है वो पहुंच चुका है।
पर इस सीएसआर के अंदर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कुछ कमियां हैं। कमियां क्या? कमी है कि यार हम लोगों के पास में कोई डाटा अवेलेबल नहीं, क्योंकि सीएसआर कैसे होता है? सीएसआर होता है कि यार मेरी मान लो एक कंपनी है, मान लो मेरी एक गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है और ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मैं मालिक बन के बैठा हूं, ठीक है। अब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से कितना प्रॉफिट है उसके परसेंट के अनुसार, 2% के आसपास गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए काम करना पड़ेगा। पर प्रॉफिट के परसेंट में कितना ज्यादा ये सीएसआर बढ़ा है इसका कोई डाटा नहीं, मतलब प्रॉफिट के परसेंट में नहीं पता, बस इतना पता बढ़ा है, कितना बढ़ा है नहीं पता। बढ़ा भी है कि नहीं बढ़ा है अगर प्रॉफिट के रेस्पेक्ट में देखें तो नहीं पता, क्योंकि 2015 से आज तक में कंपनियों के प्रॉफिट तो बढ़े, ठीक है। वही कई सारी कंपनी, लगभग 2,926 कंपनियां ऐसी हैं जिनके ऊपर कोई स्पेंडिंग नहीं होती है, जो किसी भी रूप से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर स्पेंडिंग नहीं करती है। कई सारी कंपनियां ऐसी हैं लगभग 3,078 के आसपास जो केवल 2% तक ही सीएसआर के अंदर इन्वेस्ट करती है। वही कंपनीज एक्ट के अंदर ये सीएसआर है, समझना मेरी बात। तो क्या कहा गया है कि यार जो कंपनी है यानी कि जो कॉरपोरेट है वो इन्वेस्टमेंट करेगी, वो सोसाइटी के अंदर पैसे डालेगी, वो सोसाइटी के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करेगी, तो उसके लिए सबसे पहले वो कौन सी सोसाइटी के अंदर काम करे, मतलब कॉरपोरेट पूरा वर्ल्ड एक सोसाइटी है, वसुधैव कुटुंबकम के अनुसार अगर आप एक सोसाइटी देखोगे तो इंडियन एज अ सोसाइटी हम लोग कहेंगे क्या, हम लोग आपस में एक जैसे हैं क्योंकि हम इंडियन हैं। या फिर अगर मैं मध्य प्रदेश के अंदर हूं तो मैं कहूंगा कि मध्य प्रदेश की एक सोसाइटी है। कई बार कास्ट को एज अ सोसाइटी कंसिडर किया जाता है, कई बार रिलीजन को एज अ सोसाइटी कंसिडर किया जाता है, तो व्हाट इज अ सोसाइटी? सोसाइटी तो अलग अलग है। तो भैया कहाँ निवेश करना है? तो सोशल डेवलपमेंट के अंदर निवेश करना है। पर पहले कहाँ करें? तो सबसे पहले कहा गया अपने लोकल एरिया के अंदर। और जब लोकल एरिया की बात करिए तो मेरी बात सोचना समझना कि कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर रहे हैं क्या, कॉर्पोरेट सेक्टर जहां काम कर रही है उस लोकल एरिया में। अब कॉर्पोरेट सेक्टर सबसे ज्यादा कहाँ काम करती है? क्या पूरे देश में बराबर रूप से सेम कंपनियां बटी हुई है क्या? नहीं, कई जगह पे ज्यादा है कई जगह पे कम है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, यहां पर 54% तक सीएसआर आ रहा है, बहुत पैसे आ रहा है, क्योंकि कंपनियां ज्यादा है ना, जिसके कारण से सोसाइटी का एज अ होल डेवलपमेंट हो रहा है। पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर ये सीएसआर जो है वो बहुत कम मात्रा में, मतलब देयर इज अ रीजनल डिस्पैरिटी, ज्योग्राफिकल बायसनेस, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कई बार आप कहते हो कि यार देश ने जिस तरीके से तरक्की की है और हम लोगों ने जिस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया है उसकी वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर असर पड़ता है। याद करो, सोचो, विचार करो, कई सारी ऐसी कंपनियां जो माइनिंग के अंदर काम करती हैं, वो जो माइनिंग के अंदर काम करने वाली कंपनियां हैं वो क्या करती है? माइन वगैरह करती है, जिसकी वजह से ही पॉल्यूशन होता है। कई सारी कंपनियां ऐसी है जिनकी चिमनी वगैरह होती है, धुआं निकलता है, उसकी वजह से ही पॉल्यूशन होता है। कई सारी कॉर्पोरेट ऐसी होती है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, उनके अंदर से पानी अफ्लुएंट के फॉर्म में निकलता है, गंदा पानी निकलता है कंपनियों से, वो नदियों के अंदर मिलता है, वाटर पॉल्यूशन, ये सारी चीजें होती हैं। मतलब एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय करने में एक बड़ी भूमिका कॉर्पोरेट सेक्टर भी निभाता है, ये बात समझ पा रहे? पर ये कॉर्पोरेट सेक्टर 37% तक अपने सीएसआर के अंदर निवेश करता है एजुकेशन पर, 29% तक हेल्थ और सैनिटेशन पर, केवल 9% ही एनवायरमेंट के ऊपर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पैसे जाते हैं, जबकि ये अमाउंट लगभग 25% के आसपास होना चाहिए, पर वो चीज यहाँ पर नहीं होती, दिखाई देती है। तो मतलब एनवायरमेंट के इशू के लेके ये लोग काफी ज्यादा पीछे हैं। नॉट जस्ट, देखो यार, जब भी सीएसआर होता है ना, इसे फिलअप किया जाता है, सीएसआर मैंने, मतलब मैंने मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी, मैंने किसी एनजीओ में पैसे डाल दिए, मैंने खुद से ग्राउंड के अंदर मेरे एम्प्लॉय को भेजा, मेरे अंडर कई सारे लोग काम कर रहे थे, मेरी कंपनी में लोग काम कर रहे थे, मैंने उनको भेजा के जाओ वहां पर, जाओ और ये एजुकेशन के लिए काम करो, ये इन्वायरमेंट के लिए काम करो, इतना पैसा यहाँ खर्च किया, उतना पैसा वहां खर्च किया, कर दिया। सरकार ने कहा तो कर दिया, पर सरकार को पता कैसे लगेगा कि कंपनी ने इतने पैसे खर्च किए? तो वो सारे पैसे खर्च करने के बाद कॉरपोरेट कंपनी एक रिपोर्ट फाइल करती है और वो रिपोर्ट जाती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पास। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पास में ये रिपोर्ट जाती है जिसके अंदर पता होता है कि कितना सीएसआर जो है वो किस कंपनी के द्वारा इस बार आया है,
ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर यहां पर ऑडिट भी करती है, पर जब ऑडिटिंग और रिव्यू वगैरह किया जाता है तो उस दौरान में क्या रिव्यू होगा, क्या सही रूप से रिव्यू होगा भी या नहीं, किस तरीके से इस रिपोर्ट को रिव्यू किया जाता है, यह अभी तक फिक्स नहीं है। इतना ही नहीं, यहां पर यह नहीं देखा जाता किस सेक्टर के अंदर कितने पैसे गए एज अ होल, यहां पर स्पेंड नॉन स्पेंड, किस सेक्टर में अंडर स्पेंड किया, किस सेक्टर पे ओवर स्पेंड किया, इसी को ऑडिट किया जाता, उसके इंप्लीमेंटेशन को कभी ऑडिट नहीं किया जाता। पैसे कितने खर्च किए ये देखना कि अच्छा 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 पैसे खर्च करें इन्होंने, पर उस पैसे का इफेक्ट क्या पड़ा, क्या वो सही जगह पे इन्वेस्ट हुए भी कि नहीं, उन सारी चीजों के ऊपर यहाँ पर ऑडिट नहीं किया जाता है। तो ये सारे इश्यूज है सीएसआर से रिलेटेड, पर सीएसआर के कई सारे फायदे हैं, है ना, और हम लोग इस सीएसआर को ठीक भी करना अब जरूरी है। ऐसा नहीं कर सकते कि सीएसआर को हटा दो, इसमें इशू है, तो क्योंकि सीएसआर की जरूरत है प्राइवेट सेक्टर को सोसाइटी के अंदर निवेश कराने की जरूरत है। तो फिर क्या करो, एक नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म बनाओ, नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म बताओ जहां पर सारी जो कॉर्पोरेट कंपनी है वो उन्होंने कहाँ कहाँ पैसा डाला है उस सब चीजों की जानकारी, ताकि कॉर्पोरेट कंपनी आपस में एक दूसरे को भी देख सके, ताकि कॉर्पोरेट कंपनी ये देख सके कि मैंने जो पैसे निवेश किए हैं उससे क्या देश के अंदर इफेक्ट पड़ रहा है, ताकि वो और ज्यादा मोटिवेट, और जब वो और ज्यादा मोटिवेट होगी तो ज्यादा पैसा सोसाइटी के अंदर लगेगा, ओवरऑल रूप से सोशल डेवलपमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा। इन्वायरमेंट मैंने कहा, तो इन्वायरमेंट के अंदर मिनिमम 25% तक सीएसआर जो है वो जाना चाहिए। जितने भी सीएसआर के प्रोजेक्ट है, ठीक है, जैसे सोसाइटी के प्रोजेक्ट है कि अफॉरेस्टेशन के ऊपर पैसे लगा रहे हैं, या फिर लगा रहे हैं कि यार यहाँ पर पेड़ काटे तो उसकी जगह कंपनसेटरी प्लांटिंग के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर पैसे जो है वो लगाए जाते हैं, जब ये पैसे लगाए जा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो कम्युनिटी बेस पर डिसाइड हो, ना कि ये कंपनी या फिर गवर्नमेंट के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा डिसाइड। इसके अलावा 2018 के अंदर एक हाई लेवल कमेटी बनी थी इसी सीएसआर फ्रेमवर्क के लिए, इसने जो रिकमेंडेशन दिए थे जैसे जैसे कि रिपोर्ट करने के मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करो, केवल एमसीए के पास में जा रहा है और एमसीए कह रहा है ठीक है यार रिपोर्ट आ गई चलो किया ही होगा पैसे निवेश करे होंगे, इस तरीके की चीजें ना, बल्कि प्रॉपर रूप से रिव्यू, प्रॉपर रूप से रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, कौन से प्रोजेक्ट को उन्होंने सिलेक्ट किया है, किस लोकेशन पे वो प्रोजेक्ट है और कौन सी एजेंसी द्वारा उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा, इन सारी चीजों की जानकारी जो है वो दी जाए, ताकि क्रॉस चेक किया जा सके कि सच में सीएसआर के ऊपर निवेश किया है या बस ऐसी बत्ती दी है। सीएसआर के अंदर नॉन स्पेंड, अंडर स्पेंड, ओवर स्पेंड के अलावा ऑन ग्राउंड भी चेक किया जाए कि इस सीएसआर का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। इसके अलावा GS3 पॉइंट ऑफ व्यू से ही एक और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कुछ टर्म्स है ना, ये प्री वगैरह के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर पूछी जा सकती है, नॉट इम्पॉर्टेंट विद द मेंस पर्सपेक्टिव, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर क्या होता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे पूछ लेगा कि मून लाइटिंग का मतलब क्या होगा, और उसके अंदर चार प्रकार के ऑप्शन दे देंगे कि वो जो पीले कलर का चंद्रमा दिखता है उसे मून लाइटिंग कहते हैं, या फिर चांदनी को मून लाइटिंग कहते हैं, या फिर रात के समय पे जो बादल हो जाते हैं उसकी वजह से हम लोगों को पूरे शहर में उजाला दिखता है उसे मून लाइटिंग कहते हैं, रात के अंदर जब लाइट चली जाती है और सब दूर उजाला हो जाता है उसे मून लाइटिंग कहते हैं, या फिर ये इकोनॉमी की एक टर्म है क्या है मून लाइट, और फिर यू आर कंफ्यूज, फिर आपका गड़बड़ शुरू। तो मून लाइटिंग होता क्या है थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि रिसेंटली इसके काफी ज्यादा इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। फील करना मेरी बात, COVID-19 आया, COVID-19 के बाद में लोग क्या कंपनी के अंदर जाके जॉब कर रहे थे क्या, बढ़िया घर पे बैठ के कर रहे थे आराम से, ऐसी कंडीशन के अंदर कई सारे लोग क्या करते हैं कि घर पे बैठ के काम करना, लैपटॉप में ही तो काम करना, लैपटॉप में लॉगिन करके छोड़ भी सकते हैं। कई सारे लोग जो कॉलेज के अंदर जाते हैं वो ये चीज फील भी कर पा रहे होंगे, और जो जॉब कर रहे हैं वो ज्यादा फील कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो जो कॉलेज के अंदर भी जाते हैं वो लोग फील कर सकते हो कि यार जब अटेंडेंस होती है उसके अंदर चले जाओ, बाकी तो पढ़े रहते हो, कोई स्कूल कोई कॉलेज वॉलेज का कोई झंझट था ही नहीं, कॉलेज के अंदर वो पढ़ा रही थी मैडम बढ़िया अपना, और अपन बैठे थे, अपन सो गए थे, अपन घूम के आ रहे थे, और बस आखिरी में अटेंडेंस यस मैम प्रेजेंट मैम, या फिर वैसा भी नहीं हुआ वो अटेंडेंस छूट गई, मैम एक्चुअली मेरी तरफ इंटरनेट का थोड़ा इशू था तो प्लीज़ मेरी थोड़ी अटेंडेंस लगा दोगे क्या, और मैम अटेंडेंस लगा दी थी। तो ये ऑनलाइन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा फायदा लोगों ने उठाया, ठीक है। वैसे ही एक मून लाइटिंग का
कॉन्सेप्ट भी इसी दौरान में उभर के आया। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति है, वो एक जॉब ऑलरेडी कर रहा है ना, दिन के समय वो एक जॉब कर रहा है। मून लाइटिंग शब्द का मतलब बता रहा हूं मैं, जरूरी नहीं वो इसी तरीके से इंप्लीमेंट। दिन के समय पे एक जॉब कर रहा, फिर रात में अंधेरा हो चुका, तो फिर रात के मून की लाइट में दूसरी जॉब कर रहा, मतलब दो जॉब एक साथ करना इज अ मून लाइट। दो जॉब एक साथ करना इज अ मून लाइट। यार ऑनलाइन लॉग इन ही तो करना है, एक लैपटॉप में इसमें लॉग इन कर लेंगे, एक लैपटॉप में इसमें लॉग इन कर लेंगे, वो पढ़ा रहने देंगे, काम तो दोनों का नहीं करेंगे। जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि मून लाइटिंग इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है। इसकी वजह से एक व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी कम होती है, कंपनी को नुकसान होता है। नौ जैसे ये अनएथिकल चीज है। अनएथिकल क्यों है? आपने उस कंपनी को कमिटमेंट दिया कि मैं आपके साथ में काम करूंगा। अब अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सोचना विचार करना, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक कंपनी में काम कर रहा है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, दूसरी भी है, दोनों के अंदर काम कर रहा है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। ऐसा तो नहीं करेगा कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कर रहा दूसरी मैकेनिकल ब्रांच में कर देगा, नहीं? दोनों लगभग सेम प्रोफाइल की कंपनी होगी जिनके अंदर वो काम करेगा। मेरी बात समझ पा रहे? पर आपको नहीं लगता कि दोनों अगर कंप्यूटर साइंस की कंपनी है तो वो आपस में राइवल्स हैं और उन राइवल के अंदर काम कर रहा है। इस कंपनी को कमिटमेंट दिया हुआ है कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, तुमको डेवलप करूंगा, और इसी के राइवल को भी डेवलप कर रहा है एक व्यक्ति। तो जिसके बाद में कई सारे सीईओ वगैरह कंपनी के इसके ऊपर कंसर्न शो किए थे, जैसे विप्रो के चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी ने ट्वीट किया था इसके खिलाफ कि हमारे यहाँ पे लगभग 300 एम्प्लॉय हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं और इस तरीके के काम को रोक दिया जाए। इंफोसिस ने अपने स्टाफ को वार्न किया था कि अगर आप इस तरीके की चीजें करते हो तो आपको अपनी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सवाल उठता है कि कानून क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, क्या मून लाइटिंग भारत के अंदर लीगल है या नहीं है? तो मैंने बताया कि मून लाइटिंग का जो इशू है वो COVID-19 के बाद से उभर के आया। COVID-19 के बाद में कोई कानून तो पास हुआ नहीं, उसके पहले कोई कानून था नहीं, तो इस कारण से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वगैरह आपको इन चीजों के ऊपर नहीं दिखेगी। कोई फिक्स डेफिनेशन भारत के कानून के अंदर मून लाइटिंग की नहीं है। हालांकि फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति दो अलग अलग जॉब करता है तो वो ये जॉब ना करे, उसे हम लोग प्रोहिबिट करते हैं, उसे हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं। पर जब भी मैं लेबर की बात करता हूं तो लेबर जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो हर एक राज्य का अपना एक अलग लॉ भी होता है इस चीज को लेकर। पर क्या इसे पनिश किया जाता है? जैसे कोई मून लाइटिंग कर रहा है तो उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी? नहीं, भारत के अंदर एम्प्लॉय को ज्यादा फोकस दिया जाता है, ज्यादा बेनिफिट दिया जाता है। अगर यहाँ पर कोई भी केस होता है मून लाइटिंग वगैरह का, तो वो केस जाता है विलिट कोर्ट के पास में या लेबर कोर्ट के पास में, नॉर्मल अपीलेट कोर्ट के पास में नहीं जाता। और ये जो कोर्ट है ये एम्प्लॉय की पहले सुनते हैं कंपनी की बात। इसके अलावा अभी रिसेंटली आपने सुना होगा है ना, ये GS3 पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है ना, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। प्रचंड क्या है, प्रचंड की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो भारत के मैप को एक बार इमेजिन करो, विचार करो, तो आप पाओगे कि भारत के अंदर एक राजस्थान है, राजस्थान पंजाब वाले रीजन के अंदर हम लोग पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं कि नहीं करते? अरे बिल्कुल करते हैं। अगर वहां पर हम लोग बॉर्डर शेयर कर रहे हैं तो हम लोगों को रेगिस्तान के इलाकों के अंदर बॉर्डर के ऊपर हेलीकॉप्टर वगैरह की, टैंक वगैरह की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? पड़ रही है। चलो अब हिमालय में पहुंच जाओ, हिमालय के अंदर क्या रेगिस्तान है या बर्फ है? ठंडा मौसम, हाई अल्टीट्यूड, वहां पर भी हमको चाहिए क्या एक हेलीकॉप्टर हो जहां पर हम लोग काम कर सके, जिससे हम लोग कॉम्बैट वर्क कर सके, हाई अल्टीट्यूड पे भी, डेजर्ट टेरेन पे भी। मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर की हम लोगों को आवश्यकता थी और ये कारगिल युद्ध के समय से थी। जिसके बाद में रिसेंटली एक प्रचंड करके हेलीकॉप्टर जो है वो आया है, जिस हेलीकॉप्टर की मैक्सिमम हाइट जा सकती है 5000 मीटर तक। एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम और एयर टू लैंड मिसाइल सिस्टम इसके अंदर है। साथ में ये एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो डेजर्टी इलाकों के अंदर और हाई अल्टीट्यूड दोनों के अंदर काम कर सकता है, ठीक है।
अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से इसके प्रोटोटाइप बने, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना। बस ये समझो कि ये एक मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो डेजर्ट इलाकों में और हिमालय जैसे हाई एल्टीट्यूड के अंदर काम कर सकता है। कंप्लीटली इंडिजिनस है, इंडिया के टेरेन के अनुसार बना हुआ। काउंटर इंसर्जेंसी के अंदर इसी कारण से यूज आएगा, हाई एल्टीट्यूड के अंदर यूज आएगा, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर यूज आएगा। पूरे विश्व के अंदर एकमात्र इस तरीके का हेलीकॉप्टर है जो कि HAL द्वारा डेवलप किया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। ठीक है, इतनी चीज के अंदर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा GS2 के अंदर देखते हैं तो देखो यार, अगर आपको पता होगा तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने एक बार कंसर्न शो किया था कि चाइना के अंदर जो जिंगजियांग रीजन है वहां पर उइगुर मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है और चाइना उनको काफी ज्यादा प्रोसिक्यूट करता है, तो हम लोगों को उनको ठीक करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो रिसेंटली ह्यूमन राइट काउंसिल की एक मीटिंग बैठी जिसके अंदर कई सारे देशों ने फेवर में वोट किया, कई सारे देशों ने अपोजिशन में वोट किया। फाइनली इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट गया, इंडिया ने यहां पर एब्सटेन किया, वेस्टर्न देश जो है वो बुरी तरीके से इसके अंदर हारे, वेस्टर्न देशों को एक बड़ा सेटबैक मिला। जिसके बाद में चाइना के अंदर, मतलब चाइना के अंदर ये जो जिंगजियांग रीजन है यहां पर अब डिबेट होल्ड नहीं किया जाएगा इससे रिलेटेड, ऐसा ह्यूमन राइट काउंसिल ने रिजोल्यूशन पास कर दिया। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, देखो यूनाइटेड किंगडम की रिसेंट खबर थोड़ी सी याद करो आप। क्या याद आई? प्रधानमंत्री के इलेक्शन के अलावा आपको याद आया होगा कि यूनाइटेड किंगडम ने ब्रेक्जिट कर लिया यूरोपियन यूनियन से। अब जब यूरोपियन यूनियन से किया तो यूरोपियन यूनियन एक ट्रेड ब्लॉक है, अगर इससे एग्जिट करेगा तो व्यापार के अंदर कमी होगी कि नहीं होगी, सोचो विचार करो और बोलो। होगी तो फिर कुछ यूनाइटेड किंगडम को व्यापार के लिए चाहिएगा, तो यूनाइटेड किंगडम इंडिया जैसे देशों की तरफ देखेगा। इंडिया RCEP के अंदर ज्वाइन नहीं करता है, इंडिया IPEC के अंदर जो ट्रेड ब्लॉक है उसको ज्वाइन नहीं करता, इंडिया फ्री ट्रेड मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ज्वाइन नहीं करता। पर इंडिया को अपना व्यापार डेवलप भी करना है चाइना को काउंटर करने के लिए, तो इंडिया जो है वो बायलेटरली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है जो भारत ने UAE के साथ में किया होगा, कैनेडा ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ में बातचीत कर चल रही है। अगले 2 हफ्ते के अंदर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और यूनाइटेड किंगडम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पर इसी दौरान में ये कहा गया है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाएगा इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर अगर यूनाइटेड किंगडम के अंदर इमिग्रेशन के इशू आते हैं तो यूनाइटेड किंगडम इसे साइन नहीं करेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, 2 सेकेंड, क्या हो गया है? जैसे सेकेंड ना, है ना। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हो गृह मंत्रालय, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेम पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, पर किस चीज के लिए? एक सेकेंड। तो गृह मंत्रालय और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों सेम पोजीशन होल्ड कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई है वो बिल्कुल सही हुई है, क्योंकि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद में कई सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज गलत है। तो क्या गलत है यहां पर, क्या यहां पर मुद्दे उठाए गए, क्या कॉन्ट्रोवर्सीज है, थोड़ा सा उसके ऊपर वापस से चर्चा करते हैं। वैसे इसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। ठीक है, 2 सेकेंड। ठीक है, नाउ इट्स परफेक्ट। तो हुआ कुछ ऐसा कि भारत के अंदर जम्मू कश्मीर रीजन में एक डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई, मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया। पर क्यों किया गया?
क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर रिसेंटली आर्टिकल 370 को हटाया गया था, जिसके बाद में जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था राज्य से, तो वहां पर किस तरीके से इलेक्शन होंगे, उन सारी चीजों को डिसाइड करने के लिए डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है वो की गई, जिसके बाद में लगभग 7 असेंबली सीट एक्स्ट्रा बनाई गई थी, नई 7 असेंबली सीट बनाई गई थी, जिसके अंदर से 6 सीट जो है वो एक्स्ट्रा जम्मू रीजन में गई थी और कश्मीर रीजन में केवल एक गई थी। जिसके बाद में पहले ये जम्मू रीजन में 37 सीट हुआ करती थी और 46 सीट कश्मीर के अंदर हुआ करती, तो कश्मीर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज्यादा माना जाता था। अब क्या हुआ है कि कश्मीर के रिप्रेजेंटेशन को डाइल्यूट कर दिया गया, पहला इशू तो ये है। दूसरा इशू ये है कि कश्मीरी पंडित को, लगभग 2 कश्मीरी पंडित को रिजर्वेशन देने की बात की गई थी और 9 एसटीज को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों की सीट जो है वो रिजर्व करने की बात की गई थी, जिसके बाद में कई सारे लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, पर गृह मंत्रालय यानी कि सरकार द्वारा और इलेक्शन कमीशन द्वारा इस डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को सपोर्ट किया गया। ठीक है, इसके अलावा कफ सिरप का आपको याद होगा, कल अपन ने बात करी थी कि क्या हुआ था। ठीक है, लगभग 66 बच्चों की गैम्बिया के अंदर डेथ हो चुकी है, क्योंकि भारत से कुछ कफ सिरप जो है वो वहां पर भेजी गई थी एज अ मेडिकल असिस्टेंट, पर उसके अंदर ये पाया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लगभग 23 अलग अलग ड्रग को देखने के बाद में लगभग 4 ड्रग के अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल पाया गया, जिसकी वजह से किडनी रप्चर या फिर डेथ के केसेस देखने को मिले हैं बच्चों के अंदर। CDSCO ने अपनी इंक्वायरी यहाँ पर शुरू कर दी है। यहाँ पर मेडन फार्मास्यूटिकल करके जो कंपनी है उसकी लगभग 4 दवाइयां जो इंडिया के अंदर नॉट फॉर द सेल है, मतलब इंडिया के अंदर नहीं बिकती, दूसरे देशों के अंदर बिकती है, उसका यहाँ पर देखा गया है कि उसकी वजह से बच्चों की डेथ हो रही। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन की माने तो इन्होंने कहा है कि ये जो चारों मेडिसिन है, ये जो चारों कफ सिरप है, वो भारत के अंदर नहीं बिकती है। ठीक है, इसके अलावा श्रीलंका के बारे में आपने सुना होगा, तो श्रीलंका के अंदर तमिल लोगों के साथ में ह्यूमन राइट के काफी ज्यादा इशू रहता है, जिसके खिलाफ कई बार यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर रिजोल्यूशन भी आता है। भारत कई बार श्रीलंका के अगेंस्ट वोट किया, पर अब भारत का स्टैंड जो है वो बदल रहा है, पिछली 2 बार से भारत ने वोट करने से एब्सटेन किया, इस बार भी वोट करने से भारत ने एब्सटेन किया, जब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर ये बात पहुंची कि श्रीलंका जो है वो अपने यहाँ पर माइनॉरिटी को प्रोसिक्यूट करता है, इवन ये प्रोसिक्यूशन और ज्यादा बढ़ सकता है जब इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। बट उन सबके दौरान भारत ने इन चीजों से एब्सटेन किया, जबकि 13 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है भारत और श्रीलंका के बीच में एक एग्रीमेंट के जरिए हुआ था, और भारत जो है वो काफी ज्यादा बड़ा स्टेक होल्डर है श्रीलंका के अंदर तमिलों के लिए, बट उसके बावजूद भी भारत ने इस वोट को एब्सटेन किया, जबकि 13 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो प्रॉमिस श्रीलंका द्वारा किए गए थे उन्हें अभी तक ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा पाया, जिसके बाद में लगभग 47 में से 20 देश ऐसे थे जिन्होंने फेवर में वोट किया उस रेजोल्यूशन के, 7 देश जिसके अंदर चाइना और पाकिस्तान है उन्होंने अगेंस्ट में वोट किया है, और 20 देशों ने वोट के अंदर एब्सटेन किया इंक्लूडिंग इंडिया। इसके अलावा GS3 के ऊपर बात करते हैं, व्योमित्र, व्योमित्र क्या है, इसके ऊपर प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, गगनयान जो है वो भारत भेजने वाला है, गगनयान के अंदर हमारा एस्ट्रोनॉट जाएगा तो हो सकता है उसकी डेथ हो जाएगी पहले ही, अगर ट्रायल के अंदर अगर हम लोग भेजे तो हम लोग ऐसा क्यों करें, तो क्यों ना हम लोग एक काम करें, एक रोबोट को पहले भेजें। तो इसरो के द्वारा एक डिजिटल ग्रे मैटर का एक रोबोट बनाया गया, जिस रोबोट का नाम है व्योमित्र, एक रोबोट एस्ट्रोनॉट है जो कि 2020 के अंदर बनाया गया था, एक महिला रोबोट एस्ट्रोनॉट, ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये इसरो के द्वारा और IISU के द्वारा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अंदर बनाया गया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है दोस्तों, तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगी, साथ में आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो, क्लास की अपडेट PPT PDF आपको मिल जाती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।